रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते जहां पिछले दो साल से सारे त्योहार फीके नजर आ रहे थे, वहीं अब इस बार कोरोना की लहर जरा थोड़ी थमी है, उससे बाजारों में त्योहारों पर रौनक देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई दिखी। पुलिस भी बाजारों से नदारद दिखी। हालांकि कुछ जगह पर SHO थाना कैंट बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करवाते नजर भी आए, लेकिन उनके जाते ही बाजारों में फिर वही हाल रहा। लोग भी कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। बता दें, अम्बाला के बाजारों में रक्षाबंधन से पहले लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। खासकर महिलाएं बाजार में राखियां खरीदती हुई नजर आई। वहीं बाजारों में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी खरीदने आई महिलाओं से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार है और हम लोग अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआएं मांगने के लिए राखियां खरीदने बाजार में आई हैं। बाजार में राखी की बहुत सारी वैरायटी इस बार है, पर लोग कोरोना के नियमों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। बाजारों में भारी भीड़ है। वहीं बाजारों में लौटी रौनक को देखकर खासकर दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। राखी का कारोबार करने वाले दुकानदारों का कहना है कि कोरोना की वजह से पिछले दो साल से सारे त्योहार जहां फीके जा रहे थे, वहीं इस बार राखी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बाजारों में अच्छी भीड़ है। हम लोग भी राखियों की लेटेस्ट वैरायटी लेकर आए हैं, जिसकी मांग बाजारों में अच्छी है। वहीं बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जब अम्बाला कैंट थाने के SHO से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि त्योहारों को लेकर बाजारों में भारी भीड़ है। लोग अपने वाहनों को सड़क पर उल्टा सीधा खड़ा कर जा रहे हैं। उसके लिए हमने पुलिस वाले तैनात कर दिए हैं और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि त्योहारों को देखते हुए बाजारों में अपने वाहनों को ठीक तरह से खड़ा करें, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में कोई असुविधा ना हो। मैं बहुत खुश हूं कि राखी का त्योहार आ रहा है, एक साल बाद आ रहे हैं। हैप्पी, बहुत ज्यादा खुशी की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, पूरी रौनक है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कोरोना है यहीं। बस सभी लेडीज जो भी हैं बस खुश हैं कि यहाँ त्योहार आ रहा है। भाई बहन का बहुत राखी पहले की तरह ही उत्साह दिख रहा है सभी बहनों में अपने भाइयों के लिए। राखी का त्योहार है, सभी वैसे ही शॉपिंग करने आई हैं। कोई कोरोना का किसी को है नहीं अभी इस टाइम कोई भी डर। पर जो एक त्यौहार है अपने भाइयों के लिए, जो बहनें मन्नत मांगती हैं या जो भी है, उसके लिए आराम से शॉपिंग की जाए। और प्रॉपर आई थिंक प्रॉपर सबके फेस कवर है इसमें, इसके अकॉर्डिंगली। पहले की तरह रौनक नजर आ रही है पूरी मार्केट में। नाम दीपक गुप्ता, श्री राम बाजार से। जी मैं इस बारी लोगों में ना बहुत उत्साह है जी राखी के लिए। मतलब लोग मतलब फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लोग घर से बाहर निकले हैं त्योहार के लिए। और इस बारी ना इस बारी मतलब कि जयपुरी राखियां, चांदी की राखियां, और इस साल की कुछ नवी मैं आपको दिखाने जाऊंगा, जिसके लिए लोग चांदी की राखियां चल रही हैं। इसमें प्योर ये देखो, प्योर चांदी की राखी है ये, जिसके अंदर प्योर चांदी की, प्योर गोल्ड की, इससे भी राखियाँ चल रही हैं। लोग इस पर बहुत ही खुश है जी राखी के लिए, क्योंकि लोग बहुत दिनों से घर में बैठे थे, लोग बाहर निकले हैं। अब लोग त्योहार के लिए इतने खुश है कि हर बहन ये चाह रही है कि अपने भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी लेके जाए अपने यहाँ से। दुकानदारों में भी काफी मंदा देख रहे हैं। नहीं, इस बार ऐसा नहीं है जी, बहुत ही बढ़िया काम है। और सब लोगों के अंदर मतलब बहुत लोग ना अंदर से खुश हैं त्योहार को लेके, मतलब सब लोग। देखिए, जो त्योहारों को लेके हमारी स्पेशल तैयारी इस तरह से है, जितने भी हमारे बाजार हैं, हमने सब बाजारों में प्रॉपर पेट्रोलिंग की हुई है। और इसमें साथ में हम हमारी जो कमेटी है उसकी भी मदद ले रहे हैं अभी, ताकि कोई इंक्रोचमेंट वगैरह ना हो। जैसे आपने अभी देखा, हम बाजारों से लोगों को अपील भी कर रहे हैं अभी, आने जाने लोगों के लिए रास्ता ठीक रखें। अदरवाइज़ जो अपील को फॉलो कर रहा वो ठीक भी है, अदरवाइज़ जो नहीं कोऑपरेट कर रहा उसके खिलाफ जो नियम अनुसार कार्रवाई बनती है वो कर भी रहे हैं साथ साथ। बाजारों में कारों को लेके ज़्यादा जाम लगा जा रहा है, जयपुर में भी खड़ी हुई है और ड्वाइडर के साथ भी खड़ी हुई है। नहीं देखिए, जैसा कि आपने बताया अभी त्योहारों को लेके है, थोड़ा सा बाजार में रश भी है इस बात को लेके। कस्टमर की संख्या कुछ पहले ही अपेक्षा ज़्यादा भी चल रही है। रही बात आपकी कारों की है, वो कोई इमरजेंसी भी कलेक्ट दो जैसे आ जाता है, बाकी हमने उस पर कंट्रोल भी किया हुआ है। हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, लोगों से हटा भी रहे हैं उनको। देखा जा रहा बाजारों में कोरोना में कोई भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, कोई मास्क नहीं पहने हुए, कुछ नहीं किया, दुकानदारों ने भी सैनिटाइजर नहीं रखे। क्या खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।